नमस्कार एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मतगणना से पूर्व उत्तराखंड में नेताओं की बढ़ी चिंता। मुख्यमंत्री धामी और निशंक से दो निर्दलीय प्रत्याशियों के मिलने की चर्चाओं ने पकड़ा जोर, तो कांग्रेस में विधायकों की खरीद फरोख्त का डर, विधायकों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी। उत्तराखंड के राजभवन में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन। सैनिकों और लोक कलाकारों से मुख्यमंत्री धामी ने की मुलाकात। कहा मुख्यमंत्री चेहरे का फैसला करेगा पार्टी नेतृत्व। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया सरकार बनाने का दावा। 40 से 45 सीटें जीतने का किया दावा। बीजेपी के सारे प्लान होंगे फेल। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी उत्तराखंड में मतगणना। सभी मतगणना केंद्रों पर बढ़ाई सुरक्षा। 70 सीटों पर मतगणना के सवेरे 9 बजे से आएंगे रुझान, तो दोपहर तक होगी सूबे की नई सरकार की तस्वीर साफ। अल्मोड़ा में छुट्टी पर घर आए एक सूबेदार की सड़क हादसे में मौत। मृतक जवान था असम राइफल्स में तैनात। शादी समारोह में लौटने के दौरान स्कूटी गिर गई थी खाई में। पूरे गांव में शोक है। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा बेशक पूर्ण बहुमत मिलने का दावा कर रही है, लेकिन अंदर खाने उसकी जोड़तोड़ से सरकार बनाने की तैयारी भी चल रही है। जहां सियासी हलकों में ये चर्चा खासी गर्म है कि जिताऊ माने जाने वाले दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की है। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने मुलाकात की पुष्टि भी की है। तुम्हें जोड़तोड़ की राजनीति में माहिर माने जाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी देहरादून में डेरा जमा लिया है। उनके देहरादून पहुंचने के बाद से कांग्रेस के भीतर खासी खलबली है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर कांग्रेस के अन्य नेताओं ने कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता पर शंकाएं जाहिर की है। तो वहीं जोड़तोड़ की चर्चाओं के बीच कांग्रेस सतर्क हो गई है। गोवा चुनाव से सबक लेते हुए पार्टी मतगणना के तुरंत बाद अपने विधायकों को कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर सकती है। गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद कांग्रेस वहां अपनी सरकार बनाने में विफल रही थी। ऐसे में इस बार पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन में पुष्प प्रदर्शनी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सैनिकों और लोक कलाकारों से मुलाकात की। उन्होंने राजनीतिक चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जनता का भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के उत्तराखंड आगमन को लेकर कहा कि बड़े नेताओं के सहयोग से पार्टी को मजबूती देने का काम किया जा रहा है, इसलिए पार्टी के बड़े नेता राजधानी देहरादून पहुंचे हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तस्वीर भी साफ की। कहा कि आने वाले समय में पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो मान्य होगा। हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से और हमारे परिणाम सब हमारे पक्ष में आने वाले हैं। सर आपका कल कहाँ रहने वाले हैं आप? अभी ये देखते हैं कल कैसी परिस्थिति बनती है और क्योंकि वो जैसे भी संगठन की व्यवस्था होगी उसके आधार पर। लेकिन सर एग्जिट पोल के जो आंकड़े उसमें की रूप में आप देख रहे हैं कि आप क्या 60 पर मुख्यमंत्री को लेकर घबराया हुआ है आश्वस्त है मुख्यमंत्री को लेकर के आपके नाम को ज्यादा लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी मैंने कोशिश करी है कि उस पर मैं खरा उतरूं, उस पर जितनी मेरी क्षमता है योग्यता है उस पर काम करूं। बाकी आगे जो पार्टी जो भी निर्णय ले हम आश्वस्त हैं पूरी। तो वही चुनाव परिणाम को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस 40 से 45 सीट या इससे भी अधिक सीट जीतेगी, क्योंकि जहां पर लग रहा था कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है
वहां पर स्थिति काफी मजबूत हो गई है। भाजपा 20 से 22 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। ये परंपरा वाली बात नहीं होती, सरकारों को डिलीवरी करना होता है। और इस प्रकार जो इस 5 साल में सरकार ने बहुत ही बुरी स्थिति रखी इस प्रदेश की, प्रदेश बदते बदतर स्थिति में होता चला गया, तो ये निश्चित है कि इसमें सरकार परिवर्तन होना है। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और मैंने कल एक बात कही और आज इसको दोहराना चाहता हूं कि आज जबकि मतगणना को शुरुआत उसकी शुरुआत होने में करीब 20 घंटे का समय बाकी है, ऐसे समय में मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी 43 से 45 सीटों के बीच जीतकर इससे भी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मुझे ऐसी ऐसी सीटों का समाचार मिल रहा है कि जहां हम ये मान रहे थे कि हम कमजोर हैं, लेकिन वहां से भी ये समाचार आ रहे हैं कि हम वहां मजबूत स्थिति में हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 45 के आंकड़े को भी पार कर सकते हैं, मेरा पूरा विश्वास। तो वही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मतगणना स्थल की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल के चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी कोविड-19 का भी पालन करेंगे और जीत के बाद विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। वहीं भाजपुर कोतवाली में कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रिजपाल ने मतगणना के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अराजकता फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। बता दें कि 14 फरवरी को हुए मतदान के बाद गुरुवार को मतदान की मतगणना होनी है। मतगणना से पूर्व पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। बैठक का उद्देश्य था कि जो मतगणना के उपरांत जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जुलूस आदि की मनाही है, इसके संबंध में ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर साहबान के साथ मीटिंग की गई है। और जो कैंडिडेट हमारे जो कैंडिडेट हैं विधायक के उसके कैंडिडेट हैं, उनको भी हम पत्राचार कर रहे हैं ताकि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन किया जाए। उत्तराखंड में गुरुवार यानी कल मतगणना होगी, जिसको लेकर अल्मोड़ा जिले में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने पुलिस बल के साथ सभी बैरियरों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वही विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि मतगणना कर्मचारी और प्रत्याशियों के अभिकर्ता अलग अलग मार्गों से मतगणना कक्ष में प्रवेश करेंगे। मतगणना कक्ष तक ईवीएम तक लाने और ले जाने के लिए अलग से मार्ग बनाए गए हैं और पुख्ता इंतजाम करने के आदेश पुलिसकर्मियों को दिए हैं। आज हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया है और दोनों विधानसभाओं में जो काउंटिंग की जो व्यवस्था होनी है, साथ साथ ही जो हमारा मीडिया सेंटर बनना है, पार्किंग के अरेंजमेंट्स होने हैं, ये जो हमारे पब्लिक कम्युनिकेशन रूम जो बनना है, ये सारी व्यवस्था का जो है जायजा आज हमने यहाँ पे आके लिया है। और लगभग हमारी जो है कंप्लीट तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी है। एक सिर्फ जो फाइनल जो टच जिसे कहते हैं देना, वो अभी चल रहा है। और ऑलरेडी मैंने डायरेक्शंस इशू कर दिए कि जो छोटी छोटी जो कमियाँ यहाँ पे पाई गई उसको दूर। बासपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में किसानों ने गन्ना आयुक्त के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने चीनी मिल की समस्याओं को गन्ना आयुक्त के समक्ष रखा और समस्याओं के समाधान की मांग भी की। आपको बता दें कि बासपुर के किसानों ने चीनी मिल को बचाने के लिए 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसके चलते किसानों की कमेटी ने गन्ना आयुक्त हंसा दत्त पांडे के साथ चीनी मिल गेस्ट हाउस में बैठक की। ये है कि फैक्ट्री तो लुट चुकी है, हम पहले जागना चाहिए था, मगर हमें नींद नहीं खुली। अब नींद खुली हमारी किसानों की,
हमने एक कमेटी बना दी है 30-35 आदमियों की, दो उसमें हमने वो बना दिए अध्यक्ष, एक तो हमारे बुल्लर साहब ये एक बराड साहब हैं, दो अध्यक्ष बना दिए हैं। वो जो भी फैक्ट्री को देखेंगे, जो भी चीज़ ये फैक्ट्री में नई पुर्जा लगाएं, इनके बगैर देखे हुए नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिल बना लेते हैं, पुराने बैरिंग डाल देते हैं, करोड़ों रुपए का बिल बना के रख देते हैं वो पुराने बैरिंगों का ही। अब ये देखेंगे, देखने के बाद जब चेक करेंगे बैरिंग ठीक है या जो पुर्जे ठीक हैं वो फिट हो रहे हैं, तो ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वो मतलब ये सारा घबला जो है इसी बात का। निष्कर्ष, आज गन्ना आयुक्त साहब भी आए हैं और हमारे जीएम साहब भी आए हैं मर्तोलिया जी। हमने इनको 6 पॉइंट का एक ज्ञापन दिया था, उसमें सबसे पहला है कि बोर्ड गठित हो, दूसरा जो पुरानी चीनी है वो उसकी सेल हो, स्क्रैप का ओपन ऑक्शन हो, और 2-3 पॉइंट उसमें और हैं। ये सब देहरादून लेवल के काम है, ये सब शासन के काम है, तो हफ्ते में हो जाए, 8 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग होगी और ये हमारे साथ जाएंगे, और हमारे यहाँ लगभग 11 आदमियों की एक कमेटी जाएगी और उनके साथ में मीटिंग होगी, और उसके बाद देखते हैं क्या आगे परिणाम आता है। जी, जो किसान यूनियन के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं उनके द्वारा टाइम लिया गया था, और हमने कहा हम आ रहे हैं आप लोगों के बीच, तो फैक्ट्री में हम जीएम साहब को भी, हमने ये इलेक्शन ड्यूटी में थे उसके बावजूद बुलाया, तो यहाँ पर एक तो इनका कहना है कि यहाँ पर स्थायी जीएम साहब की नियुक्ति हो, तो निश्चित रूप से वो होली के बाद तक स्थायी जीएम आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्च माह में जो है तो स्थायी जीएम मिल जाएंगे। तो फिर जो बोर्ड गठन के संबंध में यहाँ पर है कि सोसाइटी का बोर्ड अलग है और फैक्ट्री का बोर्ड अलग है, तो वो देख लेंगे कि जो बोर्ड में तकनीकी या विधिक समस्या नहीं है, क्योंकि सोसाइटीज़ का मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में इश्यू पेंडिंग है, किसान वेट कर रहे हैं कि उनकी पर्चियां नहीं आई हैं, उसमें भी त्वरित गति से इंडेंट इशू होगा, तो सोसाइटीज़ के माध्यम से वो पर्चियाँ अधिक से अधिक किसानों तक आएंगी ताकि समय तक गन्ने की पिराई संभव हो सके। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में दिनों महिला होली की धूम शुरू हो गई है। होली के नजदीक आने के साथ ही पुरुष और महिलाएं नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में होली की महफिलें जमाने लगे हैं। नगर के नंदा देवी मंदिर में महिलाओं की बैठकी होली का आयोजन किया है। कुमाऊं में होली वैसे तो पौष माह से अपनी फिजा में आ जाती है, लेकिन फाल्गुन मास तक वो अपने पूरे शबाब में आ जाती है। और कुमाऊं में दो तरह से होली मनाई जाती है, बैठकी और खड़ी होली। उसमें 2-3 दर्जन से पुरुष और महिलाएं समूह बना करके घर घर टोलियां बना करके होली गायन करते हैं। और आज यहाँ पर जो है सर्वजनी महिला संस्था की जो होली है वो हमने खड़ी होली और बैठकी होली दोनों रूप में होली उत्साह और उमंग का त्यौहार है। और इस दिन महिलाएं स्वांग और नृत्य और हंसी मजाक कर करके अपने इस होली पर्व को मनाती हैं। जो हमारा होली है एक पारंपरिक तीज है, और हुड़का हमारे जो पारंपरिक तीज का एक अभिन्न अंग है। बिना हुड़के के झोड़ा, छपेली, चांचरी, आपके न्योली, या इवन हम कहें जो हमारे गांव में तीज त्यौहार होते हैं, तो बिना हुड़के के बिना उनको असंभव है। आज हुड़का बिल्कुल लुप्त के कगार में है। और जो नए ऋषिकेश एम्स के बाहर अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब का धंधा शुरू हो गया है, जिसमें एम्स के कई कर्मचारियों की मिलीभगत होने की आशंका भी जताई गई है। आपको बता दें कि एम्स के बाहर पैथोलॉजी लैब के कई एजेंट खड़े नजर आते हैं, जिनकी एम्स के अंदर जान पहचान है, और टेस्ट के लिए मरीजों को बाहर की लैब का रास्ता एम्स के ही कुछ कर्मचारी दिखा रहे हैं। गेट के आसपास मंडराते पैथोलॉजी लैब के ये अधिकारी कर्मचारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ ही जिस लैब में टेस्ट कराए जाते हैं वो ऑथराइज है ये भी नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में एम्स के पीआरओ हरीश थपलियाल ने बताया कि मामले में संज्ञान में अभी तक मामला नहीं आया है, लेकिन इसकी जांच अब कराई जाएगी। मीना, क्या कर रहे थे आप यहाँ? सर मैं रिपोर्ट लेना है। रिपोर्ट लेने आए थे? एम्स हॉस्पिटल में जॉब करते हो आप? कौन सी लैब के हैं ये? नहीं पता सर। कौन से लैब के हो भैया आप? कर्सना लैब से। यहाँ क्या कर रहे थे? लैब पे काम करता हूँ। लैब का काम करते हो आप? इस तरीके से बिजनेस करते हैं आप लोग यहाँ पे आके? नहीं नहीं, मैं तो कॉल किया था। बोले कौन, किसने कॉल किया था? अंदर रिपोर्ट नहीं होती है तो बाहर जांच करूंगा। नाम बताया किस, क्या है? अंकुश नाम है। ये पर्चे आप लेके आए हो ना किसने लैब से? हाँ। पर्चे पकड़ो।
जांच करवानी। कहाँ पे? अंदर नहीं हो रहा जांच? क्या कहा अंदर? बाहर होगा। तो आप कहाँ लैब में लेके जा रहे हैं इसको? ठीक है, ये आपसे ही मालूम पड़ा है कि गेट के सामने असेंबली कर रहे हैं, तो इस तरह से रोड पे तो सैंपलिंग करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इस बारे में जो नियम वगैरह हैं वो आपको सीएमओ या जो स्टेट के वो हैं वो बता सकते हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ से कुछ सैंपल बाहर वो गए हैं, तो हम पता करते हैं कि कौन से सैंपल बाहर जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई सैंपल